दोस्तों, इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखेंगे छोटा सा, जो कि टूपल जो होता है उसको एलिमेंट को प्रिंट करें कैसे करेंगे। ओके, तो टूपल क्या होता है आपको इसके लिए पहले से पता होना चाहिए, बट मैं जरा सा इंट्रो दे देता हूँ इसका। टूपल जो होता है वो एक हेट्रोजीनस डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, वो इंट्रोडक्शन है टूपल का। बेसिकली एसटीडी पेयर जैसा होता है वैसे ही होता है वो टूपल भी, लेकिन उसमें दो से ज्यादा एलिमेंट रख सकते हैं। ओके, तो एसटीडी टूपल जो है वो काफी यूजफुल है, और ये C++11 में नया इंट्रोड्यूस हुआ था। तो टूपल को बनाने के लिए वेरिएडिक टेम्पलेट चाहिए होता है, और वेरिएडिक टेम्पलेट C++11 में ही आया है, तो इस कारण से टूपल भी C++11 में ही आया है। ओके, तो कभी क्या होता है डिबगिंग के टाइम पे या ऐसे भी लॉगिंग के लिए टूपल को प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है, तो हम एक छोटा सा फंक्शन लिखना चाहेंगे जो कि टूपल को प्रिंट कर पाए। ओके, और आप क्या कर सकते हैं, आपका जो आपके पास अगर कोई कॉमन छोटा मोटा लाइब्रेरी ही बना के रखे हैं, या छोटा सा लाइब्रेरी अगर आपके पास है, तो इसको हमेशा कॉपी करके रखना चाहिए ताकि बार बार लिखना ना पड़े। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, आराम से लिख सकते, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो एक छोटा सा टूपल बना लिए, देखिए एक टूपल है, उसमें तीन एलिमेंट है, 100, और एक कैरेक्टर है ए, और तीसरा एक डबल है 1.0। ओके, तो उसको प्रिंट करना है हमें, तो एक फंक्शन बनाया है प्रिंट। यहाँ देखिए प्रिंट है लाइन नंबर 28 में। ओके, और ये फंक्शन क्या करता है, देखिए ये टूपल लेता है, और टूपल का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है, देखिए आर्क्स डॉट 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 मतलब क्या हुआ, ये वेरियडिक टेम्पलेट है। अगर आपको पता नहीं, ये पता होना चाहिए तभी थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन अगर मालूम नहीं है तो भी आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए कोड को, आपको बहुत बार काम आएगा, क्योंकि आपको पूरा वेरिएडिक टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टूपल यूज कैसे करना उतना ही जाने तो काफी है। ओके, इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं टूपल प्रिंटर। ओके, टूपल प्रिंटर क्या करता है, एक टेम्पलेट क्लास है या स्ट्रक्ट बोल दीजिए, वो दो पैरामीटर लेता है, टूपल का टाइप और साइज ऑफ आर्क्स। साइज ऑफ आर्क मतलब कितने आर्क है उसमें, साइज ऑफ वो देगा कि जैसे कि तीन है यहाँ पे, तो तीन यहाँ पे रिटर्न करेगा साइज ऑफ आर्क। ओके, अब देखिए क्या करता है ये देखिए दो स्ट्रक्ट बनाए, एक है जनरल केस और एक है स्पेशल केस, इसको कहते हैं टेम्पलेट पार्शियल टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन। एक तरह से ये है पार्शियल टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन। और ये है उसका जनरल केस। तो जनरल केस में क्या है, देखिए उसमें अगर कोई भी टूपल है जिसमें कि एन पैरामीटर है, साइज ऑफ जो है नीचे देखे थे, साइज यहाँ लिखा था, ये जब कॉल कर रहे थे नीचे, थोड़ा नीचे कर लेते, हाँ जब यहाँ कॉल कर रहे थे तो देखिए साइज ऑफ पास कर रहे थे। ओके, तो साइज ऑफ जो है वो अगर एन हो तो किसी भी एन के लिए कॉल करेगा, और ये रिकर्सिव है, देखिए रिकर्सिवली फिर खुद को ही कॉल करता है एन माइनस वन से। तो पहला एलिमेंट प्रिंट होगा सी आउट में यहाँ, और फिर पहले एन माइनस वन को कॉल कर दिया, तो क्या होगा एन माइनस वन जाते जाते फिर वन पे जब जाएगा तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वन के लिए स्पेशलाइजेशन है, जब एक पैरामीटर होगा तब इसको कॉल करके, देख रहे हैं गेट जीरो किया हुआ है। गेट जीरो मतलब ऐसा टूपल जिसमें कि उसका पहला एलिमेंट समझिए एक तरह से। ओके, तो पहला एलिमेंट में वो उसको प्रिंट कर देगा यहाँ पे, और नेक्स्ट टाइम क्या करता है, बाकी सब केस में क्या होता है, जाता है यहाँ पे और एक देखिए सिर्फ कॉमा और फिर गेट एन माइनस वन कॉल कर रहा है। ओके, तो इस तरह से ये प्रिंट हो जाता है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, देखिए इसको प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं पहले। हाँ ओके, बिल्ड हो गया, अब रन करते हैं इसको। देखिए वैल्यू इनिशियलाइज 100 कॉमा ए कॉमा वन, तीनों वैल्यू प्रिंट हो गया। ओके, तो ये हुआ इसका, क्या कहते हैं, ये छोटा सा फंक्शन हो गया टूपल को प्रिंट करने का। इसको अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं, काफी आपको यूजफुल रहेगा। और छोटी छोटी बातें यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्ट है इसके अंदर जो प्रिंट फंक्शन है वो एक स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक क्यों रखें, क्योंकि तो इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करने का कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट एक स्ट्रक्ट बनाए इसलिए है ताकि हम ये स्पेशलाइजेशन कर सकें, और कोई कारण नहीं है टेम्पलेट फंक्शन बनाने का, क्लास बनाने का। ओके,
इसलिए सिर्फ है। तो स्ट्रक्ट बना के सॉरी स्टैटिक फंक्शन बना के, और यहाँ देखिए इसलिए कोलन कोलन प्रिंट किया हुआ है। ओके इस कारण से आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सिर्फ ये पैरामीटर को सही तरीके से अरेंज करने के लिए हमें स्ट्रक्ट बनाना पड़ता है, और ये काफ़ी कॉमन पैटर्न है। ये आप देख रहे होंगे कि प्रिंट के अलावे कुछ और भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा स्पेशलाइजेशन करना है तो काफ़ी ये यूजफुल पैटर्न है। ओके तो ये हुआ हमारा वीडियो टूपल के एलिमेंट को प्रिंट कैसे करना है उसके। आप इसको ट्राई कीजिए। एक छोटा सा और उसमें करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक और लिख देते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं बी, और यहाँ पे फिर से चार लिख देते हैं। ठीक है अब देखिए क्या होगा, इसको भी रन करके देखते हैं। पहले कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल हो गया। अब रन करके देखिए, देखा गया 100 ए 1 और बी। ओके तो ये हो गया आपका टूपल प्रिंटर फंक्शन, काफ़ी यूजफुल है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।